जो घटना घटी है तंत्र के नदानी के कारण, आप जो लोग मरे हैं उनको भी दुख प्रकट करना चाहिए, लेकिन सीधे कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा जी। आप ये पल्ला झाड़ ले रहे कर कर, ऐसा नहीं होगा। इसका दोषी आप है नीतीश जी, इसके दोषी आप हैं। और क्यों नहीं आपके विरुद्ध हम न्यायालय में जाएं और न्यायालय के कटघरे में आपको लाएं, और लाऊंगा भी। बिहार में लगातार शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं सारण में लगातार मौतें हो रही है, मौतों का आंकड़ा जो है 100 पार हो चुका है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए तरैया विधायक जनक सिंह जी हैं, इन्हीं के क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही है। जनक सिंह जी बीजेपी के विधायक हैं, लगातार आपके क्षेत्र में मौतें हो रही है, कैसे देखिए? यह घटना बहुत ही दुखदायी है और सरकार के लापरवाही के कारण, और सरकार का जो तंत्र है वो सही रूप से काम करता तो इतनी बड़ी घटना ना घटती। शराबबंदी है, लागू है, हम भी सब मानते हैं इस बात को, लेकिन जो घटना घटी है तंत्र के नदानी के कारण, आप जो लोग मरे हैं उनको भी दुख प्रकट करना चाहिए, लेकिन सीधे कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा जी। आप ये पल्ला झाड़ ले रहे कर कर, ऐसा नहीं होगा। इसका दोषी आप है नीतीश जी, इसके दोषी आप हैं। और क्यों नहीं आपके विरुद्ध हम न्यायालय में जाएं और न्यायालय के कटघरे में आपको लाएं, और लाऊंगा भी, ये चूंकि उस मर्म को हम जान रहे हैं, हम उसी क्षेत्र से आते हैं, हमारे गांव के भी। और मैं विशेष कहूं कि जब हमारे साथ वो थे तो इतनी बड़ी नहीं होता था जिसका हम विरोध करते थे, और इसी सारे विरोध के कारण हमसे अलग भी हुए, यही विरोध के कारण है कि हमसे अलग हुए। और हमारा ये कहना है कि जो मरे हो उसको मुआवजा तो आपने गोपालगंज में दिया है इस प्रकार की घटना से, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं। हमने तो उनसे कहा है, विधायिका का एक काम है जन समस्याओं के लेकर सदन में लाना, विधानसभा में, विधान परिषद में माननीय सदस्यों द्वारा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है वो सिर्फ मृतक परिवार के मुआवजा के लिए जी। और लॉर्ड एंड ऑर्डर के ख्याल के लिए हमने लाया इस विषय को लेकर, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो दुखदायी है, और हर प्रकार के शराब से भी लोग मर रहे हैं और अन्य अपराध जो घटना है उससे भी मर रहे हैं। तो हमने कार्य स्थगन, हम खुद आपको 13 तारीख को शोक सभा के बाद 14, 15, 16 एवं 19 दिसंबर को चारों दिन हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जी। और लेकिन हमारी सरकार के दबाव में आकर विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको खारिज कर दिया, नादरिस का किया। मेरा कहना है कि उस मृतक परिवार के सदस्य आपका क्या बिगाड़ा है, आपने तो दिया है। और आज हमारे धरने का कार्यक्रम, चूँकि सदन में अंतिम दिन वंदे मातरम जो हमारा गीत है वो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं किया, तो इसीलिए हमने इन शहीदों की कुर्बानी से यह देश आजाद हुआ है, इसीलिए आज हम आपके उनके 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 वो स्टैचू पर जाकर हम लोग माला के और फिर यहाँ भी गेट बंद कर दिए। इसलिए आज हमारा पूरा क्षेत्र, अरे आज तो पूरा बिहार हमारा है, पूरा देश हमारा है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है, सारण जिले की स्थिति है, सिवान के अंदर स्थिति है, बेगूसराय सहित पूरे राज्य में इस प्रकार की जो घटनाएँ घटी है उसको चिन्हित कीजिए। और इनकी जो सरकारी तंत्र है, लोगों को यह देखा कर कि ये मर गया, किसका ठंडक लगने से मर गया। जैसे इस घटना के 5 दिन पूर्व तरैया थाना के अंतर्गत मझोपुर गांव है, वहाँ पर दो लोग जो मरे, हम बाहर थे जी। तो बाहर थे, हम राज्य से बाहर थे, हमने सूचना दिया DSP को और थानाधार को, जो कहा कि ठंडक से मर गया, हम इन्हें गलत कर रहे हो। और ठीक 5 दिन बाद ये घटना होना शुरू हुआ। अगर उसी पर जो तंत्र है, इनकी पुलिसिया तंत्र है, अगर कार्रवाई कर लिए रहते तो ऐसा नहीं होता। आप जाइए,
आपको भी कह रहे हैं कि तरैया थाना के अंदर मझोपुर में जाए, और थाना प्रभारी और डीएसपी एसडीओ डरवाया, जिसके चलते वे लोग सहम गए। जब हम आए तो देख, अभी हम बात जो भी पीड़ित परिवार है, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों लोग गए, हम भी गए, फिर भी कल हम गए थे, जो भी हम हमें क्षमता है उनके पास जा रहे हैं, जो भी हमें करना है कर रहे हैं, और लेकिन जो जान चली गई जी जी। वो तो हम और आप लौटा नहीं सकते हैं, तो ईश्वर देख रहा। देखिए, जब तक मुआवजा नहीं देंगे, सरकार मुआवजा जब तक नहीं देगी, हम सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे। और नीतीश जी से मैं कहूँगा कि नीतीश जी, आप जरा अपने को भी तो पढ़ो जी। आप 243 में मात्र 45 सदस्य हो जी, आपके पार्टी के मात्र 243 में 45 माननीय सदस्य हैं, और कभी हमारे पास आते हैं, दे दो राम दिला दे, राम देने वाला सीताराम, अब चले गए हैं पलटी मारकर जी, राजद से मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं जी। देखिए जरा, आपको जनता जान गई है। कल तो प्रेस के एक सदस्य आकर बात करने लगे हमसे कि अब आगे क्या करेंगे। हमने कहा कि जनता खुद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी वालों, अब नीतीश जैसे मायावी के साथ आप जाओगे तो हम तुझे भी नकार देंगे। ये जनता की आवाज़ है, तो ये तो जनतंत्र है, जनता के अनुसार नेतृत्व को चलना चाहिए। क्योंकि इनकी कलाई खुल गई है, इसलिए राज्य की आज आवाम जो है इस सरकार के विरोध, हम तो खुलेआम चैलेंज देते हैं नीतीश कुमार जी, है हिम्मत तो नया जनादेश प्राप्त कीजिए। क्योंकि जनादेश जो मिला था एनडीए के पक्ष में मिला था, बल्कि महा ठगबंधन के पक्ष में नहीं बना था, इसलिए आप नया जनादेश लो, हम तैयार हैं, हमें थोड़ा सा भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्या शराब चालू कर देना चाहिए जनक? हम इसके हमने तो स्वीकार किया, शराबबंदी जो है ये लागू हुआ, लेकिन उस लागू में भी आप देखे होंगे कि पटना के एक हॉल में मीटिंग कर रहे थे, उसी में बिना सर्वदलीय लोगों जो भी पार्टी है तो उसके नेतृत्व से के साथ बैठकर आपको सहमति लेनी चाहिए, लेकिन एक हॉल में सीधे घोषणा कर दिए कि नहीं शराबबंदी लागू होगा। खैर, आप बैठे, सभी दलों ने आपको कर दिया, लेकिन आपको एक एक बिंदु पर नियमन बनने चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना होगी तो हम क्या करेंगे, उसको किस प्रकार का दंड देने का प्रावधान है, हम कैसे अगर इस विधानसभा में अगर शराब की बोतलें कहीं से मिल जाए तो दोषी कौन है? बिल्कुल, इसके जो जिसको जिम्मेवारी दी गई है वो अपने निगरानी कराए। अगर इस किसी अभी देखिए, अब विधानसभा गार जो है ये मंदिर है जी। और किस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपया लगाकर रूम बन रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए, ये क्या हो रहा है जी? और मेरा जो कक्ष आज़ादी के बाद जो प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक का एक कमरा था उसे भी आप छीन लिए और सत्ता पक्ष को दे दिए, अब कर क्या रहे हैं अध्यक्ष जी? यानी सीधी सरकार के दबाव में आप कर रहे हैं, इसलिए जो लोग मरे हैं उन्हें आप मुआवजा दो, नहीं दोगे तो हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से तरैया विधायक थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए, लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो है कई सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं जनक सिंह ने यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से सारण में मौतें हो रही है जहरीली शराब पीने से, उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए नीतीश कुमार को। वैसे देखा जाए तो लगातार जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही है, वहीं जनक सिंह ने यह साफ कहा है कि इसकी जाँच टीम बनाकर जाँच करवानी चाहिए। तो वहीं जो बिहार की जनता है उन्होंने एनडीए को चुना था, ना कि महाठगबंधन को चुना था। वहीं क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी नेता जनक सिंह, आपने सुना है। तरैया विधायक थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी जगसाथ अभिषेक की रिपोर्ट।